हमारा धर्म दूसरों की आलोचना में समय खोना नहीं है, यह तो हिंसा है। हमारा धर्म तो स्वयं जागृत होने में है। महान वस्तुओं का दुरुपयोग अनादि काल से होता आया है और होता रहेगा, इसलिए उनका त्याग नहीं किया जा सकता। धर्म के नाम पर जितना ढोंग इस दुनिया में हुआ है, उतना और किसी चीज का नहीं हुआ होगा। फिर भी यदि धर्म को छोड़ दें तो जगत का नाश हो जाए। मैं इतनी प्रतिज्ञा अवश्य करूँगा कि हिंदू धर्म का अथवा किसी धर्म का नाश किसी के आक्रमण से कभी नहीं हो सकता। यह स्वयं सिद्ध नियम है। जिसका नाश किसी भी बाह्य शक्ति से हो सकता है, वह धर्म नहीं है, वह भले ही सामाजिक व्यवहार हो। धर्म का नाश उसके भीतर कुछ गंदगी पैदा होने से हो सकता है। अस्पृश्यता हिंदू धर्म में एक ऐसी ही गंदगी है, उसका नाश ना करें तो धर्म का नाश निश्चित है। अस्पृश्यता महाअसत्य है, इसका निवारण स्पर्श से है। अस्पृश्यता में घृणा भरी है, अहंकार है, ऊंच नीच भाव है, यह सब अधर्म है, असत्य है। मुझे ज्ञान है कि असत्य का समर्थन सत्य से नहीं हो सकता है। मैं किसी की अंतःकरण की खबर रखने वाला तो हूँ नहीं, किंतु मैं जरूर यह महसूस करता हूँ कि जो मनुष्य यह कहता है कि जिस धर्म में उसने जन्म लिया है, उस धर्म में उसे शांति नहीं मिल रही है, तो उस मनुष्य के अंदर कोई कमजोरी है। अगर कोई बाइबल में विश्वास करना चाहता है तो करे, लेकिन वह अपना धर्म क्यों बदले? धर्म प्रचार की इस प्रवृत्ति से संसार में शांति कायम नहीं होगी। धर्म बहुत ही निजी मामला है। हमें तो अपनी अपनी समझ के अनुसार जैसा ठीक लगे वैसा जीवन जीते हुए एक दूसरे के धर्मों की अच्छाइयों का परस्पर आदान प्रदान करना चाहिए और इस प्रकार ईश्वर के निकट पहुंचने के मनुष्य के प्रयत्न में अपनी अपनी सामर्थ्य भर योग देना चाहिए।